गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MR व्लॉग्स। वेल, आज गांव में जाने का प्लान है। प्रोबेबली आज या फिर कल सुबह निकलेंगे। अब तक कंफर्म नहीं पता क्योंकि कोल्हापुर में थोड़ा बारिश हो रहा है। और क्या, बस इतना ही। फिलहाल हमारी अम्मा जी अंदर दिवाली का फलाल बनाते हुए और हमारी तरफ देखते हुए माजा उसे सको पापा के लिए कमाला। तो अभी प्लानिंग है कि ये दो शूज़ प्रोबेबली, ये तो नया वाला है, ये पुराना वाला है। नहीं पाठोत नहीं, मैं एडिट करूँ वीडियो ऐसी टाक दो यूट्यूब पर। हाँ ठीक है सर, बैक टू द टॉपिक। ये वाला नया शूज़ कल खरीदा है, ये पुराना वाला मेरा कैनवास। और एक है मेरा ब्लैक एंड रेड वाला, वो बाहर रखा है विंडो में, उसको साफ करना बाकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ना सूखले तो प्लास्टिक में पैक करूँ दे, नो प्रॉब्लम। प्लास्टिक मध्ये पॅक करून दे ना, तिथे जाऊन सुकून बस। बरं ठीक आहे चालेल। तर हे आहे कुछ हमारे घर की कहाणी, छोड़ दो। अभी गोवा का प्लॅन तो हम लोग का पूरा फिक्स हो चुका है, बस कोल्हापुर में हम लोग कब पहुंचते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आज शाम को भी जाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से आज शाम को या फिर कल सुबह आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं जब कोल्हापुर में हो जाऊंगा तब तक ये वीडियो पूरा शूट होके रेडी, एडिट होके पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो मिलते हैं आपको जब भी, बाद में पता चल जाएगा, कभी निकलने वाला हो कभी नहीं, ठीक है। और एक चीज़ रह गया था गाइस, अभी बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे, मतलब करने वाले थे अगर मैं ये पार्ट नहीं डालता, जिसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा अगर लिखते कि इतना गंदा जूता क्यों पहन के जा रहा है गोवा जैसे प्लेस पर। वेल, इतना गंदा जूता मैं ऐसे ही नहीं लेके जाना, इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ, जो कि एक हो चुका है क्लीन एकदम, ऐसा थोड़ा ब्लू कलर का जो शाइन आ चुका है, जो कि दूसरे वाले में थोड़ा ऐसा मिट्टी जैसा लगा हुआ है, तो वो सब जो क्लीन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि यार तेरे पास क्या पैसा नहीं है क्या नया जूता लेने के लिए। देखो बॉक्स, नया जूता तो ले चुका हूँ। ये जूता मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ये सबसे पहला स्नीकर है और ये स्केट कंपनी का है। पहनने में कंफर्टेबल है, फैशनेबल है, और क्या चाहिए, इतना ही चीज़ है। तो यही चीज़ है, यही अपनी सच्चाई है, ठीक है, यही अपने लाइफ में चलता रहता है। तो यही अपना बताने का था। और एक चीज़, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, यहाँ पे मेरा लिंक आ जाएगा। अब इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों करना है, बस मेरे पोस्ट मत देखो, क्योंकि नॉर्मली मैं यूट्यूब पे अगर एक्टिव नहीं हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी तो स्टोरीज़ या फिर कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, तो उसके थ्रू मैं अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक बाइक को फिर से रिपेंट किया था, मेरा एक दोस्त है जिसका गाड़ी था आई थिंक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, और फर्स्ट टाइम मैंने उस तरह से वो गाड़ी रिपेंट किया, क्योंकि नॉर्मली इसके पहले जो सीडी नॉन में मैंने रिपेंट किया था उसमें हम लोगों ने पूरा कलर ही मतलब स्टिकर्स वगैरह डायरेक्टली पूरा निकाल के पूरा कलर गाड़ी को कलर करके, और उसका नेम जो था वो हम लोग ने छुपा दिया था, मतलब होंडा का होंडा ही रखा था, बट सीडी डॉन ये हम लोग ने मेंशन नहीं किया था। तो वो एक चीज़ था, बट ये गाड़ी में मेरा दोस्त जो था उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि देख भाई मुझे सुपर स्प्लेंडर नाम चाहिए प्लस हीरो होंडा भी नाम उसमें चाहिए ही। और मैंने कहा था कि ठीक है ये दो नाम तुझे मिल जाएंगे बट कलरिंग मेरे हिसाब से होगा, तो उसने बोला ठीक है जो भी चलेगा कर लेना, गाड़ी का ओरिजिनल कलर वैसे ही रखना है। तो गाड़ी का ओरिजिनल कलर था नॉर्मली ब्लैक, तो हम लोगों ने मैट ब्लैक किए। वो वाला एक शॉर्ट सा वीडियो आई थिंक 20 या फिर 30 सेकेंड्स का वीडियो होगा, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उस वीडियो के लिए लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मुझे सब्सक्राइब कर दो है। 1000 के काफ़ी क्लोज है हम लोग, ठीक है, और 1000 होने के बाद काफ़ी सारे सरप्राइज बाहर आने वाले। ओके, वेलकम गाइस बैक टू दिस चैनल। कल रात को निकलने का प्लान था जैसे कि मैंने पहले बताया था, और हो सकता है कि वो सुबह, तो एक्चुअली हम लोग सुबह निकल रहे हैं, एक्चुअली सुबह भी नहीं बोल सकते, आई थिंक अभी दोपहर होने के लिए आ गए हैं। कल रात को इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और पापा बोले कि बारिश में तुम लोग वहाँ पर कहाँ पर रुकोगे स्टैंड के ऊपर, तो इट्स बेटर टू लीव अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं हुआ हम लोग का,
क्योंकि घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई करके, क्योंकि दिवाली का था तो साफ़ सफाई में थोड़ा फैमिली को हेल्प करके निकले हम लोग। आए थे 10 o'clock को निकले और अभी हो रहा है 11:41, ऑलमोस्ट 12:45, और तब जाके हम लोग को बस मिला। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बस है ये डायरेक्टली कोल्हापुर की नहीं है, ये कराड़ तक है, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 30 kilometers बिफोर कोल्हापुर। तो अभी ये बस से जाएंगे हम लोग कराड़ तक, और कराड़ के हाईवे पे उतर के वहाँ से कोल्हापुर की भी बस पकड़ेंगे, जिसके लिए लगेंगे हम लोग को 7 से 8 घंटा। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या प्लान के हिसाब से होता है, डायरेक्टली शायद से मैं कोल्हापुर जाके आपको मिलूँगा। ठीक है, कोल्हापुर में पहुंच गए। राइट नाउ इट्स टाइम एग्जैक्टली 9:30 हो रहा है अभी, और अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ, मतलब कोल्हापुर में। अब इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि 6:30 में हम लोग थे कर्जत में, और एग्जैक्टली देखा जाएगा तो कर्जत से कोल्हापुर आने के लिए लगने वाला था 45 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स, एकदम कट टू कट। तो कर्जत में उतरने के बाद वहाँ से हम लोगों ने 4-व्हीलर पकड़ा और हम लोग आ गए थे शेर फटा, एक प्लेस है मतलब वहाँ पे, वहीं पे हम लोग उतरना था। और सीढ़ी फटा के बाद वहाँ से मुझे भाई पिकअप करने वाला था, तो उसने तो पिकअप कर लिया था, लेकिन कुछ एक सामान लाना था, मतलब दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए कुछ सामान खरीदना था, और फिर उसी की वजह से हम लोग को थोड़ा टाइम लगा घर में पहुँचने के लिए। देखा जाएगा तो ऑफिशियली हम लोग 7:30 को तो कोल्हापुर में एंटर हो चुके थे घर के पास। तो यही था कुछ, और एक सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की है, वो मिस्टेक ये की है कि जो स्टार्टिंग में अपने जो स्नीकर्स देखे थे ब्लू एंड ब्लैक वाले, साफ सिफ करके मस्त रखे थे, सोचा था कि उसको जाते समय पहन के जाऊंगा, और निकलते टाइम इतने मतलब गड़बड़ी में निकला कि वो शूज़ में भूल के आ गया। लकीली एक शूज़ बैग में जो पैक करके रखा था नया वाला वो तो है, तो कुछ दिक्कत तो आने वाली नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्लान के हिसाब से तो नहीं चल रहा, लेकिन बढ़िया चल रहा है। अभी परसों हम लोग गोवा के लिए निकलेंगे, कंफर्म नहीं है कल या फिर परसों, फ्लक्चुएट होगा, आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। वेल अभी के जितने भी ये आई थिंक 2 या 3 ब्लॉग होने वाले, ये सब ट्रैवलिंग के होने वाले, मतलब अभी का ये जो ब्लॉग है मुंबई टू कोल्हापुर तो हो गया, अब आने वाला है कोल्हापुर टू गोवा, फिर गोवा में थोड़ा मौज मस्ती वाला ब्लॉग आएगा, फिर आएगा गोवा टू कोल्हापुर, और फिर आएगा कोल्हापुर से मुंबई। तो देखा जाएगा तो 3 से 4 ब्लॉग तो आने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल में सब्सक्राइब करके रख देना आगे वाले वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो आपकी मर्ज़ी, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गो 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 एंड डू इट नॉट फील योर लाइफ विद एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स हैव टू डू टेल नॉट स्टफ टू शो एनर्जी। चीज़ बताना रह गया, सुबह की जो एनर्जी लेवल थी वो यहाँ पे थी, मतलब सर के भी ऊपर, और अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद जो एनर्जी लेवल है वो पूरी डाउन हो गई है। सुबह से कुछ ठीक से खा भी नहीं पाया हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सुबह कितना बजे उठता उसके ऊपर है। बाय बाय।